तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना बेस मेकअप कर रखा है। तो अब आती है मेरी यहाँ पे आईब्रोज़ की बारी। बेसिकली ये जो मेकअप है ये स्पेशली डेडिकेट है आईज़ पे। तो मैं यहाँ पे आपको आई मेकअप फुल दिखाऊंगी, कितना ब्यूटीफुल तरीके से निकल के आता है। तो यहाँ पे मैंने लिया फ्रीडम पैलेट और एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। और आईब्रोज़ को फिल करते वक्त इस बार आप देखेंगे कि मैं अपनी आईब्रोज़ को पतली नहीं रख रही हूँ, थिन नहीं रख रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा ब्रॉड करूँगी, थोड़ा सा डार्क बनाऊँगी, बिकॉज मुझे जो आई मेकअप चाहिए उसके संग थोड़ा सा ब्रॉड आईब्रोज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये फ्लफी फ्लफी ब्रश और ये डार्क ब्राउन शेड सेम पैलेट में से, और इस तरीके से मैं ब्लाइंडिंग स्टार्ट करूँगी अपनी क्रीज लाइन पर। इस आई मेकअप के अंदर सबसे ज़्यादा इजी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये यू शेप के अंदर अपने ब्रश को एंगल देंगे, ब्लेंड करेंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ब्लेंडिंग हुई है। अब यहाँ पे मैंने ये एंगल ब्रश लिया है और यहाँ से ये लिया है ब्यूटिफुल पर्पल कलर, और इस पर्पल कलर को मैंने यहाँ पर लेके अपने बिल्कुल क्रीज लाइन के एंगल पे ब्लेंड करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं फ्री हैंड ब्लेंड नहीं करूँगी, थोड़ा सा ये सी शेप को मतलब एंगल देते हुए ब्लेंड करूँगी। देखिए बिल्कुल इस तरह सारा कमाल यहाँ पे ब्लेंडिंग का है। तो बस आप उसे ही परफेक्ट रखिएगा, परफेक्ट क्या, बस ब्लेंड करिएगा तो अच्छे से आपका आई मेकअप निकल कर आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे ये ले रही हूँ ये ब्राइट ब्राइट पिंक कलर, और ये प्रॉपर फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे यहाँ पे लगाऊंगी आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर, बिकॉज मुझे अपने आईज़ को पॉप अप करना है और थोड़ा सा न्यूडी लुक भी देना है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्राइट पिंक शेड लिया है फॉर आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर। तो इस तरीके से कुछ मैं डैप कर रही हूँ, और बिकॉज ब्लेंडिंग नहीं करनी है मुझे, हाँ इस पॉइंट पे आके सिर्फ और सिर्फ डैप करना है। अब आता है ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्राइट ऑरेंज कलर का टाइम, और ये मैंने लिया है यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश और हल्का सा मैं क्रीज लाइन को लेते हुए इस कलर को ब्लेंड करूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से हमारा आई मेकअप निकलता जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से लिया है ये डार्क ग्रे कलर एंड ब्राउन कलर, एंड सेम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इन सारे कलर को परफेक्टली ब्लेंड कर दूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाएं और बिल्कुल भी ये सारे कलर अलग अलग ना दिखाई दें। तो कुछ इस तरीके से ब्लेंडिंग मैंने कर दी है, दोनों आई मेकअप को मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैंने ये थोड़ा सा डार्क शेड एंड बहुत लिटिल सा ब्लैक शेड लिया है और जस्ट सी शेप के अंदर ब्लेंड करा है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डेप्थ और चाहिए था ताकि मेरा पिंक एंड ऑरेंज कलर थोड़ा सा पॉपअप होता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पे लिया है मैंने ह्यूडा ब्यूटी का ये वाला पैलेट, और ये इतना ब्यूटीफुल पैलेट है, आप इसका पिगमेंटेशन देख सकते हैं ग्लिटर का भी, और ये मतलब आपका ग्लू ग्लिटर है, सिर्फ आप डैप करिए और ये चिपक जाएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा ग्लू की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने इसे डैप करा और आप देख सकते हैं ग्लिटर लगाते ही इस आई मेकअप को दूसरी ही दुनिया मिल गई। अब मैं थोड़ा सा ये ब्राइट ऑरेंज कलर दोबारा ले रही हूँ, बिकॉज मुझे से थोड़ा सा ये कलर का पॉपअप और चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से मैंने आउटर इनर कॉर्नर पे इसे लगाया है एंगल ब्रश की हेल्प से। घबराइए मत, ये बिल्कुल भी ज़्यादा सा नहीं दिखेगा, बिकॉज अब मैं लूँगी यहाँ पे एक ब्लेंड ब्रश और इस कलर को मैं बहुत अच्छे से परफेक्टली ब्लेंड कर लूँगी, और ये कलर्स बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ब्लेंड होते हैं जैसे आप देख सकते हैं। अब दोबारा से मैंने लिया है ये एंगल ब्रश और ब्राउन, ये मैंने लिया है यहाँ पे ऑरेंज कलर, और मैं अपने बिल्कुल लोअर लाइन पे इसे अच्छे से लगा लूँगी, लोअर आई लाइन पे बिल्कुल, आप जैसे कि देख सकते हैं। अभी आप बिल्कुल भी वो मत करिए कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। अब आप देखिए एक स्मजिंग ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है और ब्लैक कलर को लेते उप्स मेरे आँख में लग गई पर नहीं कुछ नहीं, अब मैंने यहाँ पे स्मजिंग ब्रश की हेल्प से अपने आईज़ पे इसे लगा लूँगी जैसे कि आप देख रहे हैं लोअर लाइन पे, और इसे मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी। अब ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्यूटीफुल सा फैशन का पेन आईलाइनर, और ये मैंने इंस्टाग्राम के स्टोर से परचेज किया था ब्यूटी चेजर करके, ये इंस्टाग्राम का स्टोर है, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। और ये ब्राइट पर्पल कलर लेके मैं यहाँ पे लाइनर ड्रॉ करूँगी, मैं ज़्यादा इसे पॉइंट आउट नहीं करूँगी, बस इनर कॉर्नर से अच्छा सा एक पॉइंट दूँगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ये बिल्कुल एकदम शार्प वाला लुक निकल कर आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार मैंने ब्लैक लाइनर का यहाँ पर यूज़ नहीं किया है,
बिकॉज़ मैं इस आई मेकअप को थोड़ा सा अलग देना चाहती थी। अब आती है ये वाली पैलेट की बारी, ये है फॉरएवर न्यूड पैलेट। इसे मैंने परचेज़ किया था फॉरएवर मेकअप इंडिया करके इंस्टाग्राम का स्टोर है, वहाँ से ये ड्रग स्टोर का प्रोडक्ट है। और इसे मैं यहाँ पे इसमें से मैंने ब्राइट पिंक कलर लिया है, न्यूड पिंक है मतलब ये इन शॉर्ट ऑफ। तो इससे मैं यहाँ पे ब्लशर लगाऊंगी। ब्लशर का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हुई जाऊँगी अपनी नोज टू चिक एंड चिक टू नोज करके, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिकॉज आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है कि आप कुछ इस तरीके से अपना ब्रशर को लगाएं। अब यहाँ पे मैंने लिया है कॉन्ट्रोलिंग शेड डार्क ब्राउन शेड, और इसे मैं एक कॉन्ट्रोल ब्रश के हेल्प से अपने फेस को कॉन्ट्रोल करूँगी। ज़्यादा शार्पनेस नहीं दूंगी, बस कॉन्ट्रोल करूँगी ताकि थोड़ा सा मेरी जॉ लाइन अच्छे से नज़र आए और मेरा ये जो मेरा चेक वाली लाइन है वो भी अच्छे से नज़र आए। और अपने नोज़ को शार्प करना तो मैं कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज आई लव दैट थिंग। तो मैं इसे अच्छे से प्लान कर लूँगी। अब आती है हाइलाइटर की बारी, तो सेम पैलेट में से मैंने हाइलाइटर लिया है, और इसका हाइलाइटर ओ माय गॉड, मतलब ड्रग स्टोर का प्रोडक्ट, अंडर आई थिंक 400 है, और इतना ब्यूटीफुल है कि आप देख सकते हैं इसका हाइलाइटर कितना ब्यूटीफुल तरीके से पॉपअप हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपको फुल वाली आई शेडो पैलेट चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं, हाइलाइटर कॉन्ट्रोल ब्रश एंड इवन दैट आई शेडो पैलेट। तो इसी तरीके से मैंने जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग देनी थी मैंने यहाँ पर हाइलाइटिंग दे दी है, और मोस्टली मैं अपने हाइलाइटर को अपने फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ बिकॉज मुझे ये पसंद है। अब यहाँ पे मैंने लिए है डेविश की न्यूडी ब्राउन कलर शेड, ये मुझे मिला था यूफोरिया बॉक्स के अंदर किसी मंथ में। तो ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल न्यूडी ऑरेंज ब्राउन टाइप शेड है, और ये इतना अच्छे से टर्न आउट हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का ये लिप शेड आया, और पता नहीं मैंने कहाँ पे रखा हुआ था, अब जाके मुझे मिला था तो मुझे लगा इसे यूज़ करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके सा ये लुक आया है, मुझे ये लुक बहुत पसंद आया। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। बहुत ही इजी लुक है ये, तो मैंने ब्लेंड ब्लेंड करा है, मुझे इस तरीके का ऑरेंजिश न्यूड टाइप स्प्लिटरी आई मेकअप चाहिए था तो मैंने ये टर्न आउट निकाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के संग शेयर करिएगा, और मुझे बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।